हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट एंड मेजरमेंट्स में जेई एडवांस एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स पूछे गए थे उनमें से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हर प्रॉब्लम के पहले वही वीडियो पॉज करो, खुद होके फुल ट्राई मारो, जमा तो फॉरवर्ड करो, नहीं जमा तो मेरे साथ देखो। पहला क्वेश्चन, ये 2023 वाला क्वेश्चन है। वन करेक्ट आंसर, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ थ्री डिराइव्ड क्वांटिटीज, नेमली द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी, Planck's constant h, and speed of light c, as y is equal to c raised to power alpha, s raised to power beta, and g raised to power gamma. Which of the following is correct option? Alpha, beta, gamma के क्या-क्या values बनते हैं? ठीक है? Question तो इतना मुश्किल है नहीं, है ना? J event में भी ऐसे question पूछे जाते हैं। तो चलो, Young's modulus आपको दिया है। Young's modulus का dimension आपका क्या आएगा? आपका आएगा जो अपने को दिया है। c रेस्ट टू पावर अल्फा, तो डायमेंशन ऑफ c रेस्ट टू पावर अल्फा होगा, एच रेस्ट टू पावर बीटा होगा, एंड क्या है, g रेस्ट टू पावर गामा होगा। अभी हम सबके डायमेंशन निकालते हैं और इक्वेट करेंगे। y का डायमेंशन क्या आएगा आपका? चलो, y क्या होता है? यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन डेल्टा l बाय l, डायमेंशन लेस है, स्ट्रेस f अपॉन a। तो इसका क्या डायमेंशन होगा? इसका f का डायमेंशन अपॉन ए का डायमेंशन, यानी एफ का तो ये डायमेंशन हो गया और ए का ये डायमेंशन हो गया, राइट? तो वाई का डायमेंशन क्या आएगा फाइनली? एम वन एल एक दो, तो माइनस वन एल माइनस वन टी माइनस टू। ऐसे ही हमको अभी बाकी के डायमेंशंस भी निकाल लेते हैं, राइट? बाकी के डायमेंशंस, सी का सिंपल है, सी का कोई टेंशन नहीं है। C का डायमेंशन होगा मीटर पर सेकंड, ये हो गया C का डायमेंशन। H क्या होता है? H एनर्जी और आपका फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, राइट? ऐसे कुछ तो बताता है H, तो H होगा E बाय F या फिर E T, एनर्जी। एनर्जी का आपको पता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट? तो इसका जो आएगा वो फोर्स का डायमेंशन, डिस्टेंस का डायमेंशन अपॉन इनटू टाइम का डायमेंशन, इनटू एक टाइम, ऐसे कुछ तो आएगा ये, राइट? तो इसका क्या आएगा फोर्स का, चलो इधर लिखते हैं। तो एच का डायमेंशन जो आएगा वो आएगा, एच का जो डायमेंशन आएगा वो फोर्स एम एल टी माइनस टू, ये एल एक और ये टी एक, ठीक है? तो मेरा H की डायमेंशन क्या आ रही है? मेरी H की डायमेंशन आ रही है, M तो एक ही है, L एक दो, L स्क्वायर हो रहा है, राइट? और T माइनस दो और एक, T माइनस वन हो रहा है, तो ये हो गया H का डायमेंशन। G का कैसे निकालेंगे? G क्या होता है? F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, राइट? डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो g का क्या आएगा फिर? g आएगा मेरा f d स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, पकड़ लो, अपना डायमेंशन के लिए m1 m2 एक ही है, तो ये आएगा m1 l1 t माइनस टू l2, और ये आ जाएगा m2। तो मेरा g का डायमेंशन क्या आएगा? मेरा g का डायमेंशन जो आएगा वो आएगा f का डायमेंशन एक एम दो एम, एम माइनस वन हो जाएगा जी में, फिर एल तीन हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, और टी में कुछ नीचे नहीं है, तो टी माइनस टू। अभी सबके डायमेंशन मिल गए, इक्वेट कर लो जो दिया है उसके हिसाब से, है ना? तो इस क्वेश्चन में आपको डायमेंशन एनालिसिस से ज्यादा ये सब पता होना चाहिए, जी क्या होता है, एच क्या होता है ना, ये कोशिश कर रहे हैं। ये पूछ रहे कि भाई आपको प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, पता है क्या आपको? ओके, तो चलो इधर इक्वेट कर लेते हैं। तो मुझे यंग्स मॉडुलस इसमें डाल देता हूं। यंग्स मॉडुलस का क्या आया था मेरा? M1, ठीक है? तो यंग्स मॉडुलस का जो आया था ये इक्वल टू यंग्स मॉडुलस का C अल्फा, C किधर गया? एल टी, राइट? सो एल टी माइनस वन अल्फा, फिर H का क्या आया था फाइनल? ये आया था, ठीक है? ये इनटू है, एक के नीचे एक लिख रहा हूं, बट M1 L2 T माइनस वन बीटा, और ये जो है
एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू गामा, बस कर लो अभी इनका। इस तक क्या आएगा, एम पे क्या है, एम पे अल्फा नहीं है, बीटा एक है और इधर माइनस गामा है, तो एम का ऐसा कुछ हो जाएगा। एल का क्या होगा, एल इधर एक है अल्फा, इधर दो है टू बीटा, इधर क्या है थ्री प्लस थ्री गामा, ये एल का हो गया। टी का, टी का इधर माइनस अल्फा है, इधर माइनस बीटा है और इधर माइनस टू गामा है। अब इक्वेट कर लो, ठीक है इक्वेट कर लो, चलो इधर करते हैं इक्वेट, ठीक है। एज सच इतना कॉम्प्लेक्स तो है नहीं ये, ओके। तो बीटा माइनस गामा कितना आया, वन, ये एम वन है, ये बीटा माइनस गामा वन है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट है तो सेम होना चाहिए ना, ये एक इक्वेशन बन जाता है। फिर इसका मतलब मेरा जो बीटा है वो गामा प्लस वन हो गया, फिर इधर मेरा अल्फा प्लस टू बीटा, अल्फा प्लस टू बीटा प्लस थ्री गामा, राइट, ये क्या हो गया माइनस वन, राइट, और उधर क्या हो गया माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस टू गामा इज इक्वल टू माइनस टू। इन तीनों को सॉल्व करो मिल जाएगा। इसको मैंने बीटा किया, अभी अल्फा और गामा में दोनों इक्वेशन बना लेता हूं ये यूज करके, राइट। तो अल्फा प्लस टू बीटा यानी टू गामा प्लस टू, टू बीटा टू गामा प्लस टू प्लस थ्री गामा इक्वल टू माइनस वन, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस फाइव गामा इज इक्वल टू माइनस वन, ये माइनस टू माइनस थ्री, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया। इसको भी मैं बीटा सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, माइनस अल्फा माइनस गामा माइनस वन, माइनस बीटा माइनस गामा माइनस वन माइनस टू गामा इक्वल टू माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस अल्फा एक और दो तीन माइनस थ्री गामा, और ये एक इधर प्लस वन हो गया तो माइनस वन है ना। तो ये आ गया मेरा माइनस अल्फा माइनस थ्री गामा इक्वल टू माइनस वन, दोनों को ऐड कर लेता हूं, गामा अल्फा अल्फा कट गया, ये हो गया दो गामा इज इक्वल टू माइनस फोर, गामा कितना आया मेरा माइनस टू, गामा माइनस टू आया। बीटा क्या आएगा, गामा प्लस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन, बीटा माइनस वन आया, बीटा माइनस वन आया, ठीक है। अल्फा किसी एक में अल्फा डाल दो, किसमें डालेंगे, चलो अल्फा माइनस अल्फा प्लस फाइव आर फाइव गामा, अल्फा प्लस फाइव इंटू माइनस टू इक्वल टू माइनस थ्री, अल्फा इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस टेन सेवन, अल्फा इक्वल टू प्लस सेवन, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है। पहला ऑप्शन सेवन माइनस वन माइनस टू, ठीक है ऑप्शन ए। चलो इसको देखते हैं, 2022 में पूछा गया है, इंटीजर वैल्यू क्वेश्चन है यानी एक वैल्यू आएगी, जैसे आप एंड पर देख सकते हो वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज ब्लैंक, वो ब्लैंक भरनी है आपको, उसका एक इंटीजर वैल्यू आएगा। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ई इलेक्ट्रॉन मास, एमई प्लैंक्स कांस्टेंट, एच कूलम्ब्स कांस्टेंट, के दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, where epsilon naught is permittivity of vacuum, in terms of this physical constants, the dimension of magnetic field is, क्या होगा, ठीक है। हमको ये दिया है magnetic field का बाकी के साथ क्या relation है, तो हमको दिया गया है कि जो beta है, B है magnetic field, ठीक है, ये जो आपकी magnetic field है ये कैसे होती है, ये होती है आपका e raised to power alpha mass of electron raised to power beta, आपका एच रेस टू पावर गामा और के रेस टू पावर डेल्टा, ठीक है ये दिया है। अभी सबके डायमेंशन निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकालेंगे, उनकी एडिशन करेंगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का कैसे आएगा डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड कैसे को क्या कर सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, नहीं मुश्किल है, म्यू नॉट ढूंढना पड़ेगा, फिर बी आई एल साइन थीटा, तो बी आई एल हमको थीटा से क्या लेना देना है ना, साइन थीटा डायमेंशन लेस है वैसे भी, तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल, इसका यूज करके कर सकता हूं मैं बी को,
तो बी का डायमेंशन क्या आएगा, एफ का डायमेंशन अपॉन आई और एल। तो बी का डायमेंशन जो आएगा वो आएगा मेरा, एफ का डायमेंशन क्या होता है, एम वन एल वन टी माइनस टू। आई का क्या है, आई खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, आई वन एल वन। तो बी का डायमेंशन जो आएगा वो क्या आएगा, एम वन एल वन, एल वन गया जीरो है ना, ऊपर नीचे का एल कट गया, टी माइनस टू आई माइनस वन, ये आ गया मेरा बी का डायमेंशन, राइट। तो बी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम वन एल जीरो टी माइनस टू आई माइनस वन, ठीक है। ई का तो खैर इज क्यू, क्यू इज आई टी, राइट। तो ई का तो सिंपल है आई टी, आई वन टी वन मास, भाई तो इलेक्ट्रॉन का है तो क्या हुआ, मास तो मास ही है एम वन और बाकी कुछ नहीं। एच का क्या आएगा, एच हम निकाल चुके थे, एच क्या होता है, एनर्जी इज एच इंटू फ्रीक्वेंसी, राइट। पिछले सम भी किया था, तो एच का आएगा एनर्जी का अपॉन फ्रीक्वेंसी का, यानी वन अपॉन एफ इज टाइम। एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम। तो ये तो आएगा मेरा एच का जो डायमेंशन आएगा, एच का वो आएगा एम वन एल वन टी माइनस टू, ए इसका एल और ए उसका टी, राइट। तो मेरा ये डायमेंशन क्या आ जाएगा, अच्छा ये दिस रेस टू पावर अल्फा, दिस रेस टू पावर बीटा, अभी ये आ गया मेरा एच, एच है मेरा एच आया मेरा एम वन एल वन और वन टू, एम वन एल टू, एम वन एल टू T माइनस टू और उधर का एक T, T माइनस वन, ऐसा रेस टू पावर गामा डेल्टा। अभी मेरे को चाहिए K, K आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी K का क्या फॉर्मूला होगा, F D स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, है ना। डायमेंशन के लिए Q1 Q2 एक ही है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा K का, F का डायमेंशन M1 L1 T माइनस टू, D का डायमेंशन L स्क्वायर और Q का I स्क्वायर T स्क्वायर, राइट। तो इसका क्या आएगा मेरा K का, M तो एक ही है M1 L एक और दो तीन, L तीन T माइनस टू, इधर भी माइनस, इधर टू यानी ऊपर गया तो माइनस टू, T माइनस फोर, और I इधर ऊपर गया तो वो हो गया माइनस टू, ये क्या हो गया मेरा डेल्टा। बस अभी इसको इक्वेट कर लेते हैं, इनको इक्वेट कर लेते हैं और मेरे को जो चाहिए वो मिल जाएगा। अल्फा सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारे इक्वेशन आएंगे है ना, चार आएंगे अल्फा बीटा, चारों को करना पड़ेगा, मोर ऑफ मैथ देन फिजिक्स। तो चलो M, M में कितना है, इधर तो M है ही नहीं, तो M हो गया मेरा, इधर हो गया M1 L0 T माइनस टू आई माइनस वन, एम है नहीं, इधर एक बीटा है तो M बीटा आ गया, प्लस गामा आ गया और प्लस डेल्टा आ गया, ठीक है। M तो ठीक है, L इधर L नहीं है, इधर L नहीं है, इधर दो गामा और उधर तीन डेल्टा, टी इधर है एक तो अल्फा इधर नहीं है, माइनस गामा माइनस चार डेल्टा, ठीक है। फिर आई, आई में क्या है, आई में अपने पास इधर एक है अल्फा, तो आई में मेरे पास अल्फा है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, डायरेक्ट माइनस टू डेल्टा है। इक्वेट कर लो, इक्वेशंस मिल जाएंगे, सॉल्व कर लो, ठीक है। तो एम, मेरे को M बोलता है कि बीटा प्लस दिस इज इक्वल टू वन, फिर ये बोलता है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू जीरो, फिर दिस माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस टू, एंड देन माइनस वन क्या है, अल्फा माइनस टू डेल्टा इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। अभी यहां से अगर मैं अल्फा एलिमिनेट कर दूं और उसके जगह गामा और डेल्टा में रखू, तो ये गामा डेल्टा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें से करो कोई भी, चलो ये इजी लग रहा है ना,
तो अल्फा इज इक्वल टू 2 डेल्टा माइनस 1, राइट। अब इसमें लिखता हूं मैं 2 डेल्टा माइनस 1 माइनस गामा माइनस 4 डेल्टा इक्वल टू माइनस 2, बराबर 2 डेल्टा माइनस 1, 2 डेल्टा माइनस 1 माइनस गामा माइनस माइनस 2, तो ये माइनस 2 डेल्टा हो गया, माइनस गामा हो गया, ये उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 1 हो गया, ठीक है, चलेगा। इसको ऐसा लिखते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अल्फा गामा प्लस 2 डेल्टा इज इक्वल टू 1, राइट। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर गामा को इलिमिनेट करेंगे, राइट। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 गामा प्लस 4 डेल्टा इक्वल टू 2, इसको लिख देता हूं मैं इधर 2 गामा प्लस 4 डेल्टा इज इक्वल टू 2, राइट, ठीक है ना। अब इसको करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो ये तो उड़ गया, ये आ गया माइनस डेल्टा, ये आ गया माइनस 2, यानी डेल्टा क्या हो गया मेरा 2, चलो तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 आ गया है मेरा 1। अगर डेल्टा आया तो गामा भी मिल जाएगा, ये देखो ये गामा प्लस 2 डेल्टा इक्वल टू 1, तो गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 डेल्टा, तो गामा आ जाएगा मेरा माइनस 3, तो मेरा गामा आ गया माइनस 3, ठीक है। अब ये और ये आ गया तो अल्फा मिल जाएगा यहां से, राइट, यहां से बीटा मिल जाएगा, तो बीटा क्या होगा 1 माइनस गामा माइनस डेल्टा, तो 1 माइनस गामा क्या है 3, माइनस 3 है गामा और डेल्टा माइनस डेल्टा 2 है, तो 1 प्लस 4 माइनस 2, तो बीटा 2 आ गया, बीटा 2 आ गया, और बचा इसको निकाल लेते हैं, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस गामा प्लस 4 डेल्टा, राइट। तो माइनस 2 तो ठीक है, गामा क्या है माइनस 3 है, 4 टाइम्स डेल्टा, डेल्टा क्या है 2, तो ये 8 हो गया, माइनस 5 प्लस 8 प्लस 3, तो मेरा अल्फा प्लस 3 आ गया। इन चारों का सम करो क्या आएगा, ये दोनों कट जाएंगे 3 माइनस 3 और 2 प्लस 2 4, तो इसका आंसर 4 है ना, इसका आंसर 4 है आपका। अच्छा ऑप्शन नहीं है, 4 डालना है वो ब्लैंक में, ठीक है, 4 डालना है ब्लैंक में, ऐसा है ना। चलो अगला देखते हैं, 2021 का क्वेश्चन है, क्या बोलता है, वन और मोर करेक्ट आंसर, यानी मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी एस इज डिफाइंड एज ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, द डायमेंशन ऑफ एस आर सेम एज डायमेंशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी और क्वांटिटीज, ठीक है। तो भाई हमको एस का डायमेंशन निकालना पड़ेगा और फिर हर ऑप्शन का डायमेंशन निकाल के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एस क्या है, ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट, तो पहले तो एस का निकाल देते हैं, ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। चलो ई का क्या आएगा, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फर्स्ट फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ई का जो डायमेंशन आएगा, राइट, ई का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज एम वन एल वन टी माइनस टू, राइट, इसका डायमेंशन पकड़ो ऐसा कुछ आएगा, और ये आई टी आई वन टी वन, राइट। तो इसका क्या आएगा फिर, एस का जो डायमेंशन है वो आएगा आपका एम वन एल वन टी, देखो नीचे ऊपर माइनस टू और नीचे वन, तो टी माइनस थ्री हो जाएगा, और आई जो है वो नीचे वन है तो माइनस वन हो जाएगा, ये हो गया मेरा ई का डायमेंशन।
बी का कैसे निकालेंगे? देखो यहां पे म्यू नॉट भी है, तो मैं बी आई एल के जगह म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर की कोशिश करता हूं। उससे क्या होगा कि मेरे को बी अपॉन म्यू नॉट इसका मिल जाएगा, है ना। तो बी अपॉन म्यू नॉट जो आएगा वो क्या आएगा, आई अपॉन टू पाई जाने दो आर, यानी डायमेंशन के हिसाब से टू पाई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो आई का डायमेंशन होगा और एल माइनस वन ऐसा होगा, आई एल माइनस वन, बी अपॉन म्यू नॉट का आई एल माइनस वन, ठीक है। ये एस का डायमेंशन हो गया, तो क्या होगा एस का डायमेंशन, एम वन एल वन माइनस वन गया एल जीरो, या फिर लिखते ही नहीं है, और टी ए की जगह है माइनस थ्री, आई माइनस वन प्लस वन जीरो, तो बस यही है एम वन टी माइनस थ्री, राइट, एम वन टी माइनस थ्री इतना ही है। तो अभी एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा अपने को, एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा फिट बैठता है, राइट। चलो पहला ऑप्शन क्या है, एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू करंट, एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू करंट, राइट। तो एनर्जी यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी फोर्स का ये हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस, एक के जगह दो कर देता हूं मैं, क्यू आई टी, तो एक आई इधर हो गया, एक पहले से है आई स्क्वायर और टी एक, ठीक है ना। तो एम, अच्छा वो कभी कभार स्क्वायर ब्रैकेट भूल जाता हूं मैं, एम वन एल टू माइनस टू और एक माइनस, माइनस थ्री और आई माइनस टू, राइट। यह हो गया मेरा इसका एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू करंट। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं है, फिर पहला ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है, तो पहला तो नहीं। दूसरा फोर्स अपॉन लेंथ इनटू टाइम, दूसरा देखते हैं फोर्स, तो ये तो नहीं है फोर्स, बी ऑप्शन फोर्स लेंथ टाइम, ठीक है। तो फोर्स तो हमको पता है एम वन एल वन टी माइनस टू और इसका है एल वन एंड टी वन, राइट, एल एल गया, एम वन टी माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, तो बी है, बी है करेक्ट है ना, इसका वही आएगा, इसका इफ यू सी एम वन एंड टी माइनस थ्री ही आएगा, तो बी करेक्ट है। सी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम सी, ठीक है, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ये एफ डी हो गया, यानी एम वन एल टू टी माइनस टू हो गया, वॉल्यूम एल क्यूब हो गया, एल तो कट नहीं रहा है जबकि यहां पे एल है ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। पावर अपॉन एरिया लिखते हैं, तो पावर अपॉन एरिया, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू एरिया, तो ये हो गया मेरा एम वन एल टू टी माइनस टू, ये हो गया टी वन और ए हो गया एल टू, एल टू एल टू गया, ये माइनस वन माइनस थ्री हो गया एम वन टी माइनस थ्री, हाँ, तो बी और डी, इसके बी और डी दोनों करेक्ट आंसर है, बी और डी, ठीक है। चलो ये प्रश्न पढ़ लो तब तक, चलो ये प्रश्न देखते हैं, वन और मोर देन वन आंसर करेक्ट हो सकते हैं, 2020 का क्वेश्चन है। समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम ऑफ यूनिट सो दैट ऑल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी, इन वन सच सिस्टम द डायमेंशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एक्स एज फॉलोज, पोजिशन एक्स रेज़्ड टू पावर अल्फा है, स्पीड एक्स रेज़्ड टू पावर बीटा है, एक्सेलरेशन एक्स रेज़्ड टू पावर पी है, लीनियर मोमेंटम एक्स रेज़्ड टू पावर क्यू है, फोर्स
एक्स रेस टू पावर आर है, आपको इन सब के वैल्यूज निकालने हैं, अल्फा बीटा पी क्यू आर, और फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो चूज करना है। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, पोजिशन एक्स रेस टू पावर अल्फा, पोजिशन एक्स रेस टू पावर अल्फा है, पोजिशन का डायमेंशन जो है एक्स रेस टू पावर अल्फा है। तो अभी स्पीड जो है वो क्या होता है, स्पीड होता है पोजिशन बाय टाइम, राइट। एंड स्पीड जो आएगा वो आएगा एक्स रेस टू पावर अल्फा डिवाइडेड बाय टाइम एंड टी माइनस वन। बराबर, ऐसा कर सकता हूं, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है, स्पीड मेरे को दिया है एक्स रेस टू पावर बीटा, राइट। एंड टी माइनस वन का जो डायमेंशन है, टी माइनस वन जो है वो हो गया एक्स रेस टू पावर बीटा, एक्स रेस टू पावर अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, ऐसा आ गया उसका, बीटा माइनस अल्फा आ गया टी माइनस वन, राइट। ठीक है, फिर क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वो है पी, एक्स रेस टू पावर पी। बराबर है, एक बार देख लेते हैं, हाँ पी। तो ये क्या आएगा, स्पीड अपॉन टाइम, राइट, एने स्पीड इंटू टी रेस टू पावर माइनस वन, राइट। ये आएगा स्पीड एक्स रेस टू पावर बीटा, स्पीड इंटू टी रेस टू पावर माइनस वन, स्पीड अपॉन टाइम, एने टी माइनस वन क्या है ये, तो ये क्या आ जाएगा एक्स बीटा इंटू एक्स बीटा माइनस अल्फा। अगर इनको एडिशन करूं तो एक्स रेस टू पावर टू बीटा माइनस अल्फा, ऐसा आ जाएगा एक्स रेस टू पावर पी, करेक्ट। एंड मेरा पी क्या है, मेरा पी जो है दैट इज इक्वल टू टू बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, इसको ऐसे ही करना है हमको, एक हो गया, राइट, ऐसे करना है। फिर एक्सेलरेशन के बाद क्या दिया है, लीनियर मोमेंटम क्यू फोर्स आर। देखो लीनियर मोमेंटम और फोर्स का अलग से ऐसा भी कर सकते हो, अभी तक जब जैसा हमने किया ना वैसा लीनियर मोमेंटम फिर फोर्स कर सकते हो, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। अगर मैं लीनियर मोमेंटम अपॉन फोर्स करूं, लीनियर मोमेंटम अपॉन फोर्स करूं, तो क्या आता है मेरा, एम वी अपॉन एम ए, यानी वी अपॉन ए आता है, वी अपॉन ए आता है। वी का क्या है बीटा, ए का क्या है पी, यानी ये हो गया मेरा डायमेंशन। अगर जाओ ये यानी डायमेंशन ऑफ एक्स रेस टू पावर, एक्स रेस टू पावर वी, यानी क्या हो गया बीटा अपॉन एक्स रेस टू पावर ए, यानी क्या हो गया पी। ये जो है ये किस चीज का इक्वल है, वी अपॉन ए, राइट। लीनियर मोमेंटम का और फोर्स का, लीनियर मोमेंटम का क्या दिया है क्यू, फोर्स का आर, यानी एक्स रेस टू पावर क्यू अपॉन एक्स रेस टू पावर आर। मिल गया मेरे को और एक इक्वेशन, क्या हो जाएगा फिर, इसका मतलब है कि बी माइनस पी, बी बीटा माइनस पी इज इक्वल टू क्यू माइनस आर। ठीक है, ये पकड़ लो। अब बस ये दो को ही करके चारों ऑप्शन देखने हैं हमको, है ना, उधर का मिटा देता हूं, क्वेश्चन नहीं दिखेगा नहीं तो। ठीक है, चलो अभी ऑप्शंस चेक करते हैं। अरे थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है इधर लिख देता हूं मैं, बी बीटा माइनस पी इज इक्वल टू क्यू माइनस आर। ठीक है, इन दोनों को लेके चारों ऑप्शंस चेक करने हैं। ठीक है, ठीक है, पहला अल्फा प्लस टू पी इक्वल टू टू बीटा, अल्फा प्लस पी इक्वल टू टू बीटा,
ठीक है, अल्फा प्लस बी इक्वल टू टू बीटा, ठीक है, और इधर है तो ऑप्शन ए जो है तो ऑप्शन वन तो गलत लग रहा है ना। एक्चुअली ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, जो ओरिजिनल एग्जाम पूछा गया था उसमें ऑप्शन ए कुछ ऐसा है, अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू टू बीटा, ठीक है, तो वो करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे अल्फा प्लस पी इक्वल टू टू बीटा होना चाहिए था, फिर इससे करेक्ट आता है अल्फा प्लस पी इक्वल टू टू बीटा। फिर बाकी के तीन ऑप्शन इससे रिलेटेड है, तो देख लो क्या आता है, P प्लस क्यू, अगर P इधर लेके गया तो P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू बीटा, करेक्ट है, करेक्ट है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, P प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बीटा, तो ऑप्शन टू करेक्ट है। अगर ऑप्शन टू करेक्ट है तो सी और डी रॉन्ग होना चाहिए ना, क्योंकि वही पी क्यू आर में अलग अलग करके दिया है, ठीक है, तो इस तरह से कर लो कैलकुलेट, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, ठीक है, ये 2019, एक साल फिर पीछे गए हम, है ना, ये वन और मोर करेक्ट आंसर, फिर से एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, पढ़ लो तब तक। इस चैप्टर पे क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ा सकते हैं ना, बिखर करके क्या कॉम्प्लेक्स करेंगे इसमें, जो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी काइनेमेटिक्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आ सकती है वो इसमें नहीं आ सकती, लेकिन इसमें आपका जनरल चेक करते हैं, वो आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से लेके रेनॉल्ड्स नंबर से लेके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से लेके प्लैंक्स कांस्टेंट सबका पता है कि नहीं, फॉर्मूलाज मैग्नेटिक परमिटिविटी ये वो देखा हमने। ओके, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस, इफ डायमेंशनलेस है ना उसका डायमेंशन वन है, इफ लेंथ हैज डायमेंशन ऑफ एल, which of following statements are correct, dimension of force is L raised to power minus 3, dimension of power is L raised to power minus 5, dimension of energy is L raised to power minus 2, dimension of linear momentum is L raised to power minus 1, ठीक है, तो dimensionless है mass और angular momentum, तो mass का dimension जो है वो 1 है, और angular momentum क्या होता है, I omega, L ना, L I omega, रिमेंबर ऐसा कुछ, ओमेगा क्या है, वेलोसिटी एंगुलर, थीटा अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन है वो वन है, डायमेंशन लेस है, क्या डायमेंशन है उसका, तो डायमेंशन ऑफ एल बनेगा डायमेंशन ऑफ आई, एम एल स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है वो, तो एम वन एल टू एम एल स्क्वायर का, ये किस में होता है, थीटा अपॉन टी, थीटा क्या डायमेंशन होता है, एंगल का, एंगल का जनरल फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क रेडियस डायमेंशन लेस थीटा, राइट, तो यूनिट है लेकिन डायमेंशन लेस है ना, हाँ, तो क्या था, हाँ, थीटा डायमेंशन लेस अपॉन टी, यानी टी माइनस वन होगा इसका ओमेगा, ओमेगा का है ना, टू पाई अपॉन टी, ओमेगा इज टू पाई अपॉन टी, बेस्ट वे, अगर थीटा अपॉन टी नहीं करना है तो टू पाई अपॉन टी, टू पाई का कोई डायमेंशन नहीं, अपॉन टी एंड टी माइनस वन, तो एल का डायमेंशन ये वन आता है, इसका मतलब एम वन एल टू टी माइनस वन इज इक्वल टू वन, राइट। अभी एम का डायमेंशन क्या है, वन है ही नहीं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि एल टू टी माइनस वन इसका डायमेंशन वन है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि L2 जो है वो T1 है, उधर गया 1 अपॉन ऊपर 1 हो गया प्लस 1, है ना, ये लिख सकता हूं मैं, देखो इससे अब हम सब करेंगे, इससे हम सारे निकालेंगे, फोर्स पावर एनर्जी लीनियर मोमेंटम, चलो फोर्स की निकालते हैं, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स का क्या है, M1 L1 T माइनस टू, M1 M के कोई डायमेंशन नहीं है, L1 राइट, T माइनस टू, L1 ही रहने देते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन L में है, T माइनस टू यानी L स्क्वायर रेस टू पावर माइनस टू, यानी L रेस टू पावर माइनस फोर, यानी ये हो गया L रेस टू पावर माइनस थ्री,
राइट करेक्ट, तो ऑप्शन वन तो करेक्ट है, ऑप्शन वन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्या था मेरा, फोर्स के बाद पावर, पावर क्या होता है राइट, एनर्जी बाय टी, एफ डी बाय टी राइट, एफ का मैंने अभी निकाला है, चलो डायमेंशन लिखते हैं, एफ का अभी निकाला है मैंने एल रेस टू पावर माइनस थ्री, डी क्या है और एक एल डाल दो, टी क्या है, टी यानी एल स्क्वायर डाल दो, कर लो कैलकुलेट राइट। एक ये कट गया, यहां पे एक बचा है, वो एक माइनस एक हो जाता है, तो ये एल रेस टू पावर माइनस फोर हो जाता है, देख लो क्या है, नहीं डायमेंशन ऑफ पावर वो बोल रहा है एल रेस टू पावर माइनस फाइव, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है, तो बी रॉन्ग है, ए करेक्ट है बी रॉन्ग है। एनर्जी देखते हैं क्या आता है, एनर्जी का भी हमने यहां पे ही निकाला, एनर्जी अपॉन पावर, एनर्जी एल रेस टू पावर माइनस टू, तो एनर्जी का क्या आएगा एल रेस टू पावर माइनस टू, फोर्स इंटू डिस्टेंस ना, तो फोर्स का माइनस थ्री अगर है तो उसको एक एल जोड़ दो माइनस टू, हाँ एनर्जी माइनस टू करेक्ट है, करेक्ट है। लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, एम वी ठीक है, एम का तो कुछ है नहीं तो वी का है, लीनियर मोमेंटम जो है वो एम वी, एम का कोई डायमेंशन नहीं है, वी का है एल टी माइनस वन, तो एक एल तो है यहां पे और टी माइनस वन, टी वन अगर एल टू है तो टी माइनस वन क्या होगा एल माइनस टू, एल माइनस टू यानी एल माइनस वन करेक्ट है, ये भी तो तीन करेक्ट है, तीन करेक्ट है राइट। फोर्स का करेक्ट है, एनर्जी का करेक्ट है और लीनियर मोमेंटम का भी करेक्ट है, तीन करेक्ट है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है 2017 का क्वेश्चन है, 2018 का नहीं लिया, वो कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन था, मेरे को स्लाइड्स बनाने में प्रेजेंटेशन में थोड़ा सही होता था बट मुश्किल नहीं लग रहा था। इस चैप्टर में जनरली डिफिकल्टी लेवल से ज्यादा आपका नॉलेज, आपका रेस्ट ऑफ द फिजिक्स चेक किया जा रहा है ना, ये क्वेश्चन अच्छा है आने वाला, अभी तक थोड़े सिंपल लग रहे थे, ये अच्छा है। अ पर्सन मेजर्स डेप्थ ऑफ अ वेल बाय मेजरिंग टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग अ स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ इंपैक्ट विद द बॉटम ऑफ द वेल राइट, द एरर इन हिज मेजरमेंट ऑफ टाइम इज डेल्टा टी 0.01 सेकेंड, he measures the depth of the well to be 20 meter, L equal to 20 meter. Take acceleration as 10 and velocity is 300 meter per second. The fractional error in measurement delta L by L is close to. ठीक है, सिनेरियो समझ में आ गया। वो पत्थर छोड़ देता है, वो पत्थर को जाएगा, कुछ टाइम लगेगा, फिर वो बॉटम हिट करेगा, मान लो उसमें पानी नहीं है, बॉटम हिट करेगा तो फिर उसको आवा जाने को थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसको आवा जाएगा, तो पत्थर ड्रॉप करने से वापस आवाज सुनने तक के जो टाइम लगा उसको यूज किया उसने डेप्थ ऑफ वेल गिनने को, और टाइम में उसका एरर जो है वो डेल्टा टी 0.01 सेकंड है। आपको डेल्टा एल बाय एल निकालना है, जो उसने 20 गिनी उसमें क्या एरर है निकालना है, ठीक है तो चलो निकालते हैं। तो जाने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको राइट, उसको जाने के लिए कितना टाइम लगेगा नीचे, नीचे तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 20 मीटर, जाने के लिए उतना टाइम लगेगा उसको डिस्टेंस, टाइम मुझे नहीं पता राइट, एक्सेलरेशन ड्रॉप किया है यानी जी, जी मेरा एक्सेलरेशन है यानी ये टाइम क्या हो जाएगा, ये टाइम जो है T1 जो नीचे जाने तक का, ऊपर साउंड का नहीं सिर्फ नीचे जाने तक का, वो होगा मेरा U ड्रॉप किया U0 UT प्लस हाफ AT स्क्वायर करने जा रहा हूं मैं, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर करने जा रहा हूं, तो U0 है हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT का स्क्वायर, अच्छा ये 20
दिस 20 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर यानी 40। अच्छा ये एल है, ये एल है, हमको एल का एरर निकालना है, एल है राइट, 2L बाय जी इक्वल टू टी स्क्वायर, डेल्टा एल बाय एल निकालना है ना, और 20 डाल के क्या करूं मैं राइट, मेरे को उसी को आगे जाके डेरिवेट करके डेल्टा एल लाना है ना, तो इसके लिए एल में 20 डालना ठीक नहीं होगा और हमको एल में एरर ढूंढना है राइट। ओके तो ये हो गया टी स्क्वायर टू एल अपॉन जी, तो टी क्या होगा, टी वन पकड़ लो इसको, ये रूट ऑफ 2L बाई जी होगा। सिमिलरली टी टू हिट किया, साउंड को ऊपर आने को टाइम क्या लगेगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन है क्या, नहीं, 300 मीटर पर सेकंड दिया है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये नॉर्मल आपका टी टू जो आएगा वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट एल अपॉन 20 एल एल राइट, एल का एरर ढूंढना है, 20 नहीं बोलना चाहिए राइट, एल अपॉन क्या था उसकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड, ये लिख सकता हूं मैं, तो ये टी टू हो गया राइट। तो टोटल टाइम क्या लगा मेरे को, टोटल टाइम जो लगा वो टी वन प्लस टी टू कितना लगा, रूट टू एल बाय जी प्लस एल अपॉन 300, ये लगा मेरे को टी, ये टी है ठीक है, इसको टी लिखता हूं मैं, टी मेरे को डेल्टा टी दिया। देखो जब वैल्यूज बहुत छोटे होते हैं ना तो डेल्टा टी डेरिवेटिव यू कैन कंसीडर देम सेम राइट, लिमिट राइट, बेसिक फंडा वही था डिफरेंशिएशन का। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको डेल्टा बाय डेल्टा एल आई विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एल, तो ये हो जाएगा मेरा ठीक है, काम करता हूं मैं इसको, जी को 10 रख देता हूं बोला है उन लोगों ने, तो ये एल बाय 5 हो गया, फिर जी को अगर 10 रखा तो एल बाय 5 हो गया राइट, तो मैं 1 अपॉन रूट 5 बाहर निकालूंगा, कांस्टेंट है, और डी बाय डी कितना आएगा ये, चलो रूट एल यानी एल रेस टू पावर हाफ, आपको पता है एल रेस टू पावर हाफ, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ राइट, तो ये 1 अपॉन रूट एल आएगा ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, और टी बाय 1 अपॉन 300 निकाल लो बाहर, और ये टी बाय डेल्टा एल ऑफ एल, ये 1 हो जाएगा राइट, एंड ये 1 अपॉन 300 हो जाएगा, तो ये डेल्टा टी बाय डेल्टा एल कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन रूट एल राइट, 1 अपॉन रूट 5, अब ये हाफ बाहर आएगा, हाफ 1 अपॉन रूट एल ऐसा होगा इसका वैल्यू, अब ये ऐसा होगा इसका वैल्यू, और ये आएगा 1 अपॉन 300 ठीक है, ये आएगा 1 अपॉन 300, ये दिया है 0.01 ठीक है, ये हो गया रूट 4, तो 1 अपॉन रूट 20 लिखता हूं मैं, 1 अपॉन रूट एल प्लस 1 अपॉन 300 ठीक है। अभी मेरे को चाहिए डेल्टा एल बाय एल, मेरे को चाहिए डेल्टा एल बाय एल, तो क्या करूं मैं इसको स्क्वायर करता हूं है ना, 300 का स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, 3 × 10^2 कर देते हैं राइट, तो इसको नहीं डेल्टा एल बाय एल करते हैं, वैल्यूज रख देते हैं राइट, अभी मैंने एरर का वैल्यू रख दिया है, तो लेट्स सी इसका वैल्यू क्या आता है, अभी ये डिफरेंशिएट किया हुआ है राइट, अभी मैं उसको एरर्स के इसमें लेके गया, आई थिंक आई कैन पुट द वैल्यू राइट राइट, 1/2 √5 ठीक है, तो 0.01 डेल्टा एल अपॉन 1/√400 हो जाएगा वो √20, तो 20 सेम रूट है तो ये 20 आ जाएगा, ऐसा चलेगा ना 300, तो ये हो जाएगा 320 बाय 6000,
ये काट देते एक जीरो, 32/600, इस 600 को इधर लेके गया तो 6 बचेगा, 6 अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल टू 32, और डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा एल इसको इधर लेके गया 6/32, डेल्टा एल बाय एल कितना आएगा 6/32/20, 6 बाय लगभग 600 पकड़ लो, अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो 0.01% में अगर करूं मैं तो ये हो गया 1%, राइट 1%, ऑप्शन बी 1%, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2017 का ही है। कंसीडर एन एक्सपेंडिंग स्पीयर ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस आर हुज टोटल मास रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है और उसके रेडियस बढ़ते जा रही है, एक्सपांड हो रहा है वो स्पीयर। द एक्सपेंशन इज सच दैट इंस्टेंटेनियस डेंसिटी पी रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम, द रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट। फिर आपको वो भी दिया है कि 1/ρ डी रो बाय डी टी, ये चीज जो भी है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है। फिर आपको बोला गया है वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ एक्सपांडिंग स्पीयर इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, आर के टर्म्स में, आर 1/r। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी लिख देता हूं, वी फॉर वॉल्यूम भी आ सकता है, डेंसिटी की चीज है, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर रेस्ट टू पावर वॉट पकड़ लो, या फिर वॉट आर, ऐसे कुछ तो निकालना है आपको, राइट। सिनारियो समझ में आ गया, देखो सिनारियो ये है कि आपका स्पीयर फूकते जा रहा है, फूकते जा रहा है, उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी अंदर, तो उस वो सब का कॉम्प्लिकेशन भूल जाना है, राइट। तो वो बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। ये वेलोसिटी क्या पूछ रहे हैं, किस रेट से रेडियस बढ़ते जा रही है, यानी डेरिवेटिव्स, यानी आपको dr / dt पूछा जा रहा है, आपको ये पूछा जा रहा है इसका रिलेशन विद r, करेक्ट। यानी कहीं ना कहीं आपको डेंसिटी और r ये चीजें चाहिए आपको आपके इसमें, तो चलो कोशिश करते हैं। और आपको दिया है मास कांस्टेंट, मास कांस्टेंट का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये हो जाता है कि dm / dt जीरो आ जाएगा। अब मुझे dm / dt जीरो पता है, रो आना है, dr / dt आना है, तो उस हिसाब से काम करेंगे, राइट। तो dm / dt जीरो है तो मास लेता हूं मैं, मास क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी को भी पूरा वेलोसिटी लिखता हूं मैं, और इसको भी लिखता हूं या फिर वॉल कर देता हूं, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। क्या होगा ये, रो इनटू 4/3 पाई, मास इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा एम। dm / dt क्या आएगा, चलो कर लेते हैं, dm / dt क्या आएगा, 4/3 पाई भूल जाओ कांस्टेंट है, एंड d / dt ऑफ रो आर क्यूब, ठीक है, ये जीरो है, राइट। तो 4/3 पाई वो जीरो नहीं है, क्योंकि वही पाई 3 पॉइंट हमको पता है इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब ये जीरो है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो होगा तो एक तो जीरो होना चाहिए, एक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये नहीं है मतलब ये जीरो है, राइट। तो d by dt of rho r cube equal to zero, ठीक है। तो चलो दो चीज है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, पहले मैं रो को ऐसे ही लिखता हूं और आर क्यूब का करता हूं, डी बाय डी टी ऑफ आर क्यूब, और फिर आर क्यूब को ऐसे ही रखूंगा और डी बाय डी टी ऑफ रो, ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट।
ठीक है, इसको हमको कांस्टेंट दिया है, रो से डिवाइड कर लेंगे, ये रो उड़ जाएगा और वन अपॉन रो ये कांस्टेंट दिया है, तो मुझे उसका इतना टेंशन नहीं है, ये करना पड़ेगा d बाई डी टी ऑफ आर क्यूब। क्या आएगा d बाई डी टी ऑफ आर क्यूब? d बाई डी टी ऑफ आर क्यूब, लेट x इक्वल टू आर क्यूब, x इक्वल टू आर क्यूब, डी एक्स बाई डी आर क्या हो जाएगा? 3 r² राइट। और मेरे को जो चाहिए वो क्या है? dx बाई डी टी है, x इक्वल टू आर क्यूब। इसको कैसे लिखूं मैं? dx अपॉन डी आर इंटू डी आर बाई डी टी लिख सकता हूं, राइट। तो मेरे को जो चाहिए ये d बाई डी टी ऑफ आर क्यूब, ये क्या होगा? dx बाई डी आर, सो दिस इज रो इंटू dx बाई डी आर 3 r² इंटू डी आर बाई डी टी। बड़ी देर से कोशिश कर रहा था, है ना? तो ये हो गई मेरी वेलोसिटी, करेक्ट। सो डी बाई डी टी ऑफ आर क्यूब क्या हो गया आपका? 3 r² डी आर बाई डी टी। इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, है ना, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस आर क्यूब डी रो बाय डी टी। अब मैं क्या करता हूँ, रो से डिवाइड करता हूँ दोनों साइड को। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को ये कांस्टेंट दिया है, 1 upon rho है इसमें, तो रो से अगर डिवाइड किया मैंने तो ये उड़ जाएगा और यहां पे 1 upon rho आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है पूरा का पूरा, ये तो कांस्टेंट है पूरा का पूरा, मतलब क्या हो जाएगा? चलो इधर करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा? और एक आर काट सकता हूं मैं, एक आर काट सकता हूं, आर स्क्वायर बच जाएगा यहां पे। अच्छा, आर स्क्वायर काट सकता हूं यहां पे, एक आर, सिर्फ आर बच जाएगा यहां पे, राइट। 3 कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आर, राइट। आपका ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन आर, ठीक है, ऐसा। तो इस वीडियो में यहीं पे रुक जाते हैं, कुछ इसमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बट आपको पता चाहिए, ठीक है, नॉलेज फिजिक्स अच्छा होना चाहिए। तो ठीक है, इस वीडियो में यही पर रुक जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।